Hey guys, good evening. All right, so I hope you're enjoying the classes. I do step ke upar. Ab to regularly aapke liye classes aa rahi hain, history and maths both. I can see views bhi badh rahe. But still, we need a lot of views, guys, because the courses are going to become more and more interesting. Okay, ab aapka pichla wala maths ka tha. Now, today we are going to go on to our next topic of chemistry. और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर. ओके, वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू ओवर हियर इज कि हम लोगों ने एक ऐप बना ली है. दिस इज अ गुड न्यूज. ऐप बना ली है बाय द नेम ऑफ शैलीज केमिस्ट्री. उस ऐप के ऊपर आपके पास नाइन्थ के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आने वाले हैं विद इन स्पैन ऑफ मंथ्स. नोट्स आ जाएंगे और नोट्स ईजी नोट्स आ जाएंगे ईजी लैंग्वेज में और क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, टेस्ट आ जाएंगे. सो आई वुड रिकमेंड यू टू टेक द लिंक बिलो. नीचे लिंक है शैलीज केमिस्ट्री का, जिसकी एंड्रॉयड और आईओएस ऐप दोनों है. यू कैन गो एंड डाउनलोड द ऐप एंड एक बारी टेक अ टूर. नाइन्थ और टेंथ के अभी उसमें नहीं डले, टेंथ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं बट नाइन्थ के अभी नहीं डले हैं. सो वी आर गोइंग टू पुट दोज लेक्चर्स ऑल्सो सून. ओके, नाउ you know we are almost in the middle of our second chapter of class 9 is matter around us pure. aur uske baad main aapke sath is chapter ki completion ke baad main do chapters aapke sath physics ke karne wali hu. theek hai, fir do chapters physics ke karne ke baad do chapters chemistry iske biology ke hum karenge. so that is how we are going to go. okay, so guys let's hit it. आज का हमारा टॉपिक क्या है इज मैटर अराउंड अस प्योर का व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. पिछली वाली क्लास में हमने क्या किया था कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट बना सकते हैं. तो ये सब कुछ हमने किया था. अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज उस पिछले लेक्चर को आप देखो. उसमें कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. इसी के साथ कोरिलेटेड है हमारा ये वाला टॉपिक जिसमें हम लोग सॉल्युबिलिटी करेंगे. तो सॉल्युबिलिटी का भी मतलब इतना ही होता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम एक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिटेन कर सकता है, कंटेन कर सकता है. दैट इज व्हाट सॉल्युबिलिटी इज. बट बिफोर गोइंग ऑन टू सॉल्युबिलिटी हमको पता होना चाहिए तीन तरह के सॉल्यूशंस. तो आज वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ताकि आप मिडिल में लेक्चर को ना छोड़ दो, बोर मत हो जाओ, तो आपको पता होना चाहिए आज हम लोग करने वाले हैं ये वाले टर्म्स. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. राइट, इन तीनों को हम किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय टेकिंग एग्जांपल्स, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. फिर उसके बाद आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है. ओके, सॉल्युबिलिटी हम लोग देखेंगे क्या होता है. अब सॉल्युबिलिटी अगर हम लोग सपोज टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज क्लास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी. राइट, तो ये हमारे फोकस पॉइंट्स हैं आज वाली क्लास के लिए. तो आई होप सब अपनी कॉपी पेंसिल्स लेके बैठ गए हैं, अपने नोट्स बनाने लग गए हैं. तब तक हम लोग नोट्स इस पे नहीं डालते बिकॉज उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो तब तक प्लीज आप इसको देखो, लेक्चर्स को देखो और अपने शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स करके नोट्स बनाने की कोशिश करो. राइट, सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक्स, द मेन टॉपिक्स टुडे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, सो व्हाट आर वी डूइंग टू अंडरस्टैंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इस तरह से हम लोगों ने एक बीकर ले लिया है और इस बीकर के अंदर लेट्स से हम लोगों ने डाल दिया 100 ml ऑफ वाटर. ठीक है,
और हम इसमें डालते हैं शुगर के क्रिस्टल्स डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी आर टेकिंग शुगर क्रिस्टल्स ओवर हियर. अब आपने 1 स्पून डाला, 2 स्पून डाले, आप उसको स्टर करते रहोगे, वो डिजोल्व होता रहेगा, इजंट इट. अब एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर क्रिस्टल्स डिजोल्व होने बंद हो जाएंगे. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, फंडा क्या है कि हमारे पास डिजोल्व शुगर क्रिस्टल्स है और हम लेट से हमारे पास कुछ अनडिजोल्व तो हमारे पास कुछ डिजोल्व शुगर क्रिस्टल्स हैं, कुछ अनडिजोल्व शुगर क्रिस्टल. नाउ ओवर हियर थोड़ी देर के बाद जैसे आप शुगर के क्रिस्टल्स को इसके अंदर डिजोल्व करते रहोगे या आप डालते रहोगे, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि शुगर के क्रिस्टल्स इसमें डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, बट वो जो शुगर के क्रिस्टल्स है वो बॉटम में सेटल हो जा रहे हैं. ठीक है. सो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर वो बॉटम में सेटल हो जा रहे हैं तो आपके शुगर क्रिस्टल्स दे आर नो मोर डिजोल्विंग इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्ट. ऐसे पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज द सैचुरेशन. ओके. और जो सोल्यूशन हमारे पास बनेगी दैट इज द सैचुरेटेड. तो अ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड विच कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर ऑफ सोल्यूट एट दैट टेम्परेचर दैट इज नोन एज सैचुरेटेड. तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर जो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हम लोग लेते हैं, रूम टेम्परेचर इज 225 डिग्री सेल्सियस और इट इज 298 केल्विन. तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड. सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हुआ, व्हेन नो मोर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व्स इन अ गिवन इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज व्हाट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज गोइंग टू बी. अब अगर हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डालने की कोशिश करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं. हर एक सॉल्ट का अपना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है. हर एक सॉल्ट का मतलब जैसे शुगर का डिफरेंट होगा, सॉल्ट का डिफरेंट होगा, या हम ले सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स जो है उनका डिफरेंट होगा. सो हर एक का जो सैचुरेशन पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है. So let's try and understand that also. But before that, हम लोग समझते हैं कि what is the point of equilibrium, right? So पहले unsaturated solution देखते हैं, फिर उसके बाद we go on to point of equilibrium. अब unsaturated solution कौन सा हुआ, जो आपने शुरू शुरू में इस tumbler के अंदर हमने 100 ml of water लिया था. जब तक इसमें आप शुगर क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करते रह सकते हो तब तक वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड. जैसे ही आपने उसको उसमें वो शुगर सॉल्यूशन डिसॉल्व होनी या शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो गई वो सैचुरेटेड बना. तो अनसैचुरेटेड क्या हो गया, अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. So basically, when we're talking of a saturated solution, as I told you, उसमें dissolved sugar particles भी हैं, undissolved sugar particles भी हैं. तो अब एक point आता है, which is known as equilibrium. Okay, अब ये equilibrium क्या हुआ? Equilibrium का मतलब होता है कि जब डिजॉल्व्ड शुगर जो है वो भी कांस्टेंट हो गई और अनडिजॉल्व्ड शुगर भी कांस्टेंट हो. ओके. सो दो प्रोसेसेस दे आर टेकिंग प्लेस ओवर हियर. वन प्रोसेस को हम बुलाते हैं डिसॉल्यूशन और दूसरी प्रोसेस को हम बुलाते हैं क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. डिसॉल्यूशन में क्या होगा, शुगर के पार्टिकल्स जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे. क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि शुगर पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और वापस क्रिस्टल्स बनाने शुरू.
अब इस पॉइंट पे जैसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बुला रहे हैं, इस पॉइंट पे जो रेट ऑफ डेजोल्यूशन होता है, रेट ऑफ डेजोल्यूशन दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो जितनी डेजोल्यूशन हो रही है उतनी ही क्रिस्टलाइजेशन भी हो रही है, और ऐसी सॉल्यूशंस को हम क्या बुला रहे हैं, व्हेन नो मोर ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्विंग. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, मेरे साथ साथ बोलना है, दैट इज नोन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो अब हमें पता चल गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है. नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, लेट्स ट्राई एंड टेक एग्जांपल्स. जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एक सॉल्ट का जो सैचुरेशन पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है एट रूम टेम्परेचर. तो अगर हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट ले रहे हैं, जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं इन 100 ग्राम्स. ठीक है, सो अगर 32 ग्राम से कम है, सपोज 25 ग्राम्स आपने डिसॉल्व किया इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो इसे हम क्या बुलाएंगे, 32 ग्राम्स डाल दिया हमने, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और अगर 25 ग्राम्स हम डाल रहे हैं विच इज लेस देन 32 ग्राम्स, तो ये क्या होगी, अनसैचुरेटेड. तो KNO3 को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं. उससे अगर कम होगा तो दैट इज गोइंग टू बी अनसैचुरेटेड. इन अ सिमिलर मैनर हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, अदर एग्जाम्पल जो कि हम ले रहे हैं दैट इज NaCl, राइट. सो अब NaCl में 36 ग्राम्स कैन डिजोल्व इन, मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम्स दैट कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. ठीक है, सो अगर 36 ग्राम्स है दैट इज नोन एज वॉट, सैचुरेटेड सोल्यूशन. अगर हम 36 से कम ले रहे हैं, लेट्स से वी आर टेकिंग अराउंड 18 ग्राम्स ऑफ NaCl, तो इसे हम क्या बुलाएंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. अगर सॉल्यूट डिजोल्व होता चला जाता है तो वो अनसैचुरेटेड, जब डिजोल्व होना खत्म हो जाता है तो वो सैचुरेटेड. अब हर एक सॉल्ट का एक अलग सैचुरेशन पॉइंट होता है, जैसे KNO3 का आप देख रहे हो कि हम 32 ग्राम्स को 100 ग्राम्स में डिजोल्व कर सकते हैं. अगर हमने सॉल्ट 32 से कम डाला इन 100 ग्राम्स, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, अगर 32 ग्राम से ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे तो वो सैचुरेटेड. उसी तरह से NaCl में मैक्सिमम हम लोग 36 ग्राम्स डाल सकते हैं इन 100 ग्राम्स, राइट. सो अगर 36 से कम हम डाल रहे हैं तो वो क्या बना रहा है, दैट इज फॉर्मिंग एन अनसैचुरेटेड. नाउ जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो सकता है. कैसे, अब हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, नाउ इफ इट केस वी वांट टू चेंज इट इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, या तो हम लोग डाइल्यूट कर दें उसको, पानी ज्यादा डाल दिया हमने तो डेफिनेटली और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, या फिर हम टेम्परेचर को इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है. ठीक है, जैसे आप ठंडे पानी में अगर चीनी को घोलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं घुलेगी, पर अगर आप गर्म पानी में घोलने की कोशिश करोगे तो वो फटाक से घुल जाएगी. इसका मतलब जो कैपेसिटी है टू डिसॉल्व वो इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन. फिर एक और चीज हमारे पास है, थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन विच इज नोन एज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, मोर सॉल्यूट इज प्रेजेंट देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सो अ सॉल्यूशन व्हिच टेम्पररीली कंटेन्स मोर सॉल्यूट than the saturation level at a particular temperature, that is known as super saturated. जैसे आपने पीछे एग्जाम्पल लिया कि हमने KNO3 ले लिया है, KNO3 में हमारे पास
कितना 32 grams डिसॉल्व हो सकता है इन 100 grams ऑफ वाटर. तो 32 से कम हुआ तो अनसैचुरेटेड, 32 हुआ तो सैचुरेटेड. अब अगर आप 50 grams ऑफ KNO3 को 100 grams में डिसॉल्व करोगे, करने की कोशिश करोगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अभी समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, इसकी एक बड़ी ही एप्लीकेशन है. ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बना के ही हम मिश्री बनाते हैं, मिश्री पता है ना सबको. तो उसपे हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम लोग एक टम्बलर ले लिया हमने, फिर हमने छोटे स्केल में बना रहे हैं हम, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर आप डिसॉल्व करते रहोगे शुगर. पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगी, उसके बाद सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बना ली, और यहाँ पे एक धागा लेके छोटा सा एक मिश्री का टुकड़ा इसके साथ बांध देते. इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज द सीड. ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे अनडिसॉल्व पार्टिकल्स जो है वो सारे के सारे अपने दोस्त के पास जाने की कोशिश करेंगे. ठीक, सो क्योंकि हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया है, वाटर को चाहिए नहीं शुगर, कि मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे पास जितना था क्वांटिटी उतना मेरे पास आ गया, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, राइट. तो वो ऐसे वाटर मना कर देता है. तो उसके लिए हमने क्या डाल दिया, एक सीड डाल दिया इसके अंदर. ये सीड जो है उन शुगर पार्टिकल्स का फ्रेंड है, तो ये क्या बोलेगा कि ओके आ जाओ, अगर वाटर को नहीं चाहिए तो आप मेरे पास आ जाओ. तो उससे क्या होगा, इसका जो साइज है ना बच्चे, वो बढ़ता चला जाएगा. So this is how you can make bigger crystals from smaller crystals in a super saturated solution. Right? So we've understood very, very clearly, and we can now differentiate also between unsaturated, saturated and super saturated solution. That is awesome, guys. So I'm going to go on to my next topic, which is solubility. Solubility kya hui? कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स हम डिसॉल्व कर सकते हैं इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट. बी वेरी वेरी क्लियर कि हमें 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट लेना है यहाँ पे, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसको हम क्या बुलाते हैं, सॉल्युबिलिटी. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने KNO3 लिया ना, KNO3 में हमने क्या बोला कि 32 grams can be dissolved in 100 grams. तो KNO3 की solubility कितनी हो जाएगी? It is going to be 32. Okay, various temperatures पे solubility increase या decrease कर सकती है. So जब भी हम लोग solubility यहाँ पे लेते हैं, तो हम effect of temperature and pressure consider कर सकते हैं. Effect of temperature and pressure on solubility. So I am considering over here two types of solutions. First solution हम ले रहे हैं solid in liquid. To understand this, I am taking a small table over here. Different temperatures पे, different salts के साथ. तो हम लोग लेट्स कंसिडर स्टडी कर रहे हैं हम लोग KNO3 की सॉल्युबिलिटी, सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी, पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी और अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी इन वाटर. ओके, एंड आई एम आल्सो टेकिंग ओवर हियर डिफरेंट टेम्परेचर्स, 283, 293, 313, 333 एंड 350. So we are taking different temperatures over here. Now, जब हम लोग KNO3 देखते हैं, temperature increase करके तो measure करते हैं कि कितना grams of solute हम 100 grams में डाल सकते हैं, तो 21 grams हम डाल सकते हैं KNO3 at 283 Kelvin. जब हमने temperature increase किया तो देखा जाता है
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि हम डाल सकते हैं वो इंक्रीज, फिर 313 पे वो और इंक्रीज हो जाता है, 333 पे वो और इंक्रीज हो जाता है, और 353 पे वो और इंक्रीज हो जाता है। तो आप देख लो 353 पे आप 100 ग्राम में 167 ग्राम ऑफ KNO3 डाल सकते हैं, ये सुपर सैचुरेटेड बन जाएगी एट एलिवेटेड टेम्परेचर। क्लियर? सो वी कैन से दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नॉट फॉर ऑल सॉल्ट्स, प्लीज कीप दिस इन माइंड, मोस्टली यस बट नॉट फॉर ऑल सॉल्ट्स। अब आप NaCl का देखोगे तो NaCl का ना काफी टाइम तक सेम ही रहता है, 36 36 36, तो NaCl की सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और 333 पे भी 37 तो हार्डली एनीथिंग, और आगे भी 37। तो पोटेशियम नाइट्रेट पे काफी ज्यादा असर होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने का, NaCl पे नहीं होता है। KCl देखते हैं, KCl पे भी आप देखोगे कि ज्यादा फर्क नहीं है। तो हर एक सॉल्ट डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है, गॉट इट? फिर अमोनियम क्लोराइड देखते हैं, सो 24 ग्राम्स, 37 ग्राम्स, 41 ग्राम्स, 55 ग्राम्स एंड 66 ग्राम्स। There's slight increase in NH4Cl also, but maximum increase कहाँ देख रहे हो आप? All salts solubility is not alike. All salts की solubility temperature के साथ बढ़ती है, but बराबर नहीं बढ़ती है, ठीक है? ये आप senior classes में पढ़ोगे कि forces of attraction, hydration energy काफी कुछ इसको effect करता है. So, but for now आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है मोस्टली, मोस्टली, ओके? सो कईयों की सेम भी रहती है, कईयों की कम भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम सल्फेट एक सॉल्ट ले लेते हैं, इसकी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। Done. I hope we have understood till here. Okay. Pressure का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता on the solubility of solids in liquid. Solids को हम compress नहीं कर सकते. Compress का मतलब pressure लगाने पे हम उसकी volume को कम नहीं कर सकते. ठीक है? So we can write down over here कि pressure does not have any effect on the solubility of solids in. Then let's go on to the next type of, oh, ये तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा था, चलो anyhow अब हम लोगों ने इसको कर लिया। So let's go on to solubility of gases in liquid. Gases in liquid से क्या दिमाग में आ रहा है? मेरे दिमाग में तो आ रहा है कोक, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आ रहा है कुछ? मेरे दिमाग में सोडा वाटर भी आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कि हम वाटर के अंदर गैसेस को डिसॉल्व कर रहे हैं। मेरे दिमाग में सी वाटर भी आ रहा है या लेक वाटर भी आ रहा है, जहां पे वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे डिसॉल्व रहते हैं। तभी करके एक्वेटिक लाइफ जो है हमारी वो जिंदा है ना? फिश वगैरह जो है, जितना भी सी में मरीन एनिमल्स या मरीन क्रीचर्स होते हैं, उन सबको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन दैट इज डिसॉल्व्ड इन दिस वन, राइट? नाउ व्हेन वी टॉकिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कर लेते हैं। तो बच्चे जो टेम्परेचर होता है ना, इसमें विद इंक्रीज इन टेम्परेचर solubility decreases, but for these kind of solutions, solubility of gases and liquids के लिए जब temperature हम increase करते हैं तो solubility decrease, और यही reason होता है कि जो aquatic animals होते हैं या fish होती है, fish is not comfortable
इन वॉर्म वाटर. क्यों ऐसा क्यों हो गया भाई? वॉर्म वाटर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है. तो अगर डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, फिश तो कंफर्टेबल नहीं होगी ना उसमें, उसको तो ऑक्सीजन चाहिए ब्रीद करने के लिए. तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. फिर उसके बाद लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, प्रेशर. गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस. इतनी वॉल्यूम गैस की होगी, ओ मेरी तो बाजू गुम हो गई. इतनी वॉल्यूम गैस की होगी तो अगर हम उसके अंदर उसको प्रेस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, हम इतनी सी वॉल्यूम गैस की कर सकते हैं. ठीक है, सो कम से कम वॉल्यूम हम लोग गैस की कर सकते हैं अगर हम उसके ऊपर प्रेशर. तो जितने भी कोलाज होते हैं, कोला ड्रिंक्स होती हैं, फॉर ऑल द कोला ड्रिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर. कभी किसी ने सोचा है कि जब आप कोक की लिड को खोलते हो तो एकदम से उसमें से फ्रॉथ जो है वो बाहर आ जाती है, या एक करके साउंड आती है विच इज नोन एज द फिजिंग साउंड. क्या बुलाते हैं इसको, फिजिंग साउंड. तो कोला बॉटल्स को जब खोलेंगे हम तो हम उसका प्रेशर कर दे रहे हैं रिलीज. प्रेशर रिलीज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को भागने की लग जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कोला को छोड़ देगी, राइट. कभी करके कोलाज आपके फ्लैट हो जाते हैं, है कि नहीं. तो दिस इज प्रेशर. सो वी कैन से दैट ऑन इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी increases and on decrease in pressure solubility on increase in pressure solubility increases on decrease in pressure solubility decreases, right. So with this we come to the end of our class today guys. कल हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम सॉल्युबिलिटी के ऊपर, राइट. मैं आपको सिखाऊंगी कि हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्युबिलिटी के कैसे करते हैं. सो वी विल टेक 5 to 6 एग्जांपल्स. बी श्योर टू बी प्रेजेंट इन द क्लास. करना क्या है हमने आज का होमवर्क, ऐप डाउनलोड करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन दबाना है अगर आपको अच्छा लगे, और नेक्स्ट क्लास में आना. ये चार टास्क आपको मिल गए हैं, इनको याद रखना है. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर.